और देखिए एक बड़ी खबर मिल रही है जहां दरोगा ने भाजपा नेता को थप्पड़ मार दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर थाने में हंगामा किया, पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई, चौकी इंचार्ज और दारोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। दरअसल मामला यह है कि इसी बात को लेकर भाजपा कार्यकर्ता प्रार्थना पत्र लेकर बर्रा चौकी गए। वहां पर मौजूद चौकी इंचार्ज आनंद कुमार पांडे और दारोगा आशीष कुमार ने भाजपा कार्यकर्ता को ही पीट दिया और तोड़ लॉकअप में भी डाल दिया। वहां पर मौजूद उनके कुछ साथियों ने इसका वीडियो बनाया और देखिए भाजपा कार्यकर्ता को पीटने का ये वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता बर्रा थाने पहुंचे, हंगामा किया, जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। वायरल वीडियो पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने चौकी इंचार्ज आनंद कुमार पांडे और दारोगा आशीष कुमार को लाइन हाजिर कर दिया। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए पहली तस्वीर में दारोगा हैं जो भाजपा नेता को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर में देखिए ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जमकर हंगामा करते हुए भाजपा के कार्यकर्ता पुलिस थाने के अंदर, इसी बात को लेकर प्रार्थना पत्र के साथ ये भाजपा के नेता कार्यकर्ता पहुंचे थे बर्रा थाना में और वहीं पर देखिए ये मामला सामने आया है जहां पर एक दारोगा ने भाजपा नेता की जमकर पिटाई की, उसे थप्पड़ मारा। जोशीमठ आपदा को लेकर एक्शन में है केंद्र सरकार। मामले में जल शक्ति मंत्रालय ने कमेटी का गठन किया है। जोशीमठ आपदा का अध्ययन करने वाली है ये कमेटी। 3 दिनों के अंदर केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 5 सदस्यीय कमेटी जोशीमठ जाएगी, जोशीमठ के मौजूदा हालातों का जायजा लेगी। जल शक्ति मंत्रालय की कमेटी में पर्यावरण मंत्रालय के प्रतिनिधि, सेंट्रल वाटर कमीशन के प्रतिनिधि, क्लीन गंगा मिशन के प्रतिनिधि, स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के सदस्य को रखा गया है। इसके अलावा देखिए जो जोशीमठ आपदा को लेकर अध्ययन करने के बाद ये एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेंगे। जोशीमठ आपदा पर अब केंद्र सरकार एक्शन में नजर आ रही है। जल शक्ति मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है और यह कमेटी जोशीमठ आपदा का अध्ययन करेगी। 3 दिनों के अंदर यह कमेटी केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। और देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज जोशीमठ जाएंगे। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट मिल रहा है। जोशीमठ में जाकर हालातों का जायजा लेंगे। इससे पहले शुक्रवार को सीएम ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। इसमें अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, कहा कि तत्काल सुरक्षित स्थान पर एक बड़ा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाया जाए, जोशीमठ में सेक्टर और जोनल वॉर योजना बनाई जाए, इसके अलावा तत्काल डेंजर जोन को खाली करवाया जाए, आपदा कंट्रोल रूम एक्टिवेट किया जाए। साथ ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया कि जो मकान ज्यादा खतरे की जद में है उन परिवारों को राज्य सरकार अगले 6 महीने तक हर महीने 4,000 मुख्यमंत्री राहत कोष से किराया देगी। जोशीमठ में अब तक 500 से ज्यादा घरों में देखिए दरार आ चुकी है, कई परिवारों को शिफ्ट किया गया है और कई लोगों ने तो खुद ही घर छोड़ दिया है। पूरा शहर सहमा हुआ है। स्पेशल टीम पूरे मामले का जायजा ले रही है। SDRF, NDRF, पुलिस सुरक्षा बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री भी जोशीमठ में जाकर खुद हालातों का जायजा लेंगे। इससे पहले बीते कल मुख्यमंत्री ने बैठक की थी। गंभीरता से 2 तारीख से थोड़ा सा चीज़ें जो पानी का रिसाव और जो दरारें आने का काम हुआ है उस पर काम हो रहा है और आगे चूँकि जो भी ज़रूरत के मुताबिक काम होगा वो सब काम किए जाएंगे और कर रहे हैं गंभीरता से। मैं स्वयं वहाँ पर जाकर देखूँगा और वहाँ अधिकारियों के साथ अन्य लोगों के साथ भी जो वहाँ बैठक भी करूँगा। जितनी भी मैंने कहा है कि अगले 6 माह तक और जब तक भी ज़रूरत पड़ेगी ये काम हम लोग अन्य स्थानों पर भी करते रहे हैं और यहाँ भी जो है जिन लोगों को अपने घरों से बाहर रहना पड़ेगा, अन्य स्थानों पर रहना पड़ेगा तो उनकी व्यवस्था करेंगे। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।